हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। 10 अगस्त 2023 को एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जीके का पोर्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन टू, धारावी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्देशात्मक नियोजन इंडिकेटिव प्लानिंग को डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन वन, आठवीं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? इसका आंसर ऑप्शन टू, बंगाल और बिहार। अगला क्वेश्चन है, कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन थ्री, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, जल फ्लोरीन हरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन टू, प्राथमिक रोकथाम। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन थ्री, तबला। अगला क्वेश्चन है, 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन फोर, जावा गर्त। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी का संबंध किससे है? इसका आंसर ऑप्शन टू, युवा शक्ति। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन फोर, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, लुई पाश्चर ने आणविक चिरायता की खोज कब की और पता लगाया कि कुछ यौगिक के क्रिस्टल दर्पण छवियों के रूप में विद्यमान होते हैं, जिसने आधुनिक त्रिविम रसायन की नींव रखी? इसका आंसर ऑप्शन वन, 1848। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन गर्ल्स अंडर 15 का खिताब जीता? इसका आंसर ऑप्शन वन, अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? इसका आंसर ऑप्शन फोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, गुहेरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर ऑप्शन थ्री, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम 2s2 2p6 वाले तत्वों को आप आवर्त सारणी के किस समूह में रखेंगे? इसका आंसर ऑप्शन फोर, 18। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जब ब्याज की दर अधिक होती है तो मुद्रा की मांग कम होती है। दूसरा, जब ब्याज दर कम होती है तो मुद्राओं की मांग भी कम होती है। तीसरा, जब ब्याज दर अधिक होती है तो मुद्रा की मांग भी अधिक होती है। चौथा, जब ब्याज दर कम होती है तो मुद्रा की मांग अधिक होती है। इसका आंसर ऑप्शन टू, केवल पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सही पात्रता नहीं है? पहला, सालाना पारिवारिक आय 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा, विवाहित विधवा या तलाकशुदा महिलाएं ही उम्मीदवार हो सकती है। तीसरा, मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। चौथा, आयु 23 से 60 वर्ष होनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन वन, सालाना पारिवारिक आय 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो शहर ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं? इसका आंसर ऑप्शन फोर, अमृतसर कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, 2023 में हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन वन, ग्रेग फुल्टन। अगला क्वेश्चन है, MFIN माइक्रोमीटर क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? इसका आंसर ऑप्शन वन, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर ऑप्शन टू, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, गलत समीकरण की पहचान कीजिए। पहला, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। दूसरा, सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज अदायगी। तीसरा, सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सूजन पुंती प्राप्तियां। चौथा, राजस्व प्राप्तियां बराबर कर राजस्व राज्य का निवल शेयर माइनस गैर कर राजस्व। इसका आंसर ऑप्शन फोर, राजस्व प्राप्तियां बराबर कर राजस्व राज्य का निवल शेयर माइनस गैर कर राजस्व। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में
भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर डैश थी? इसका आंसर ऑप्शन 3 सफीना खातून। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को समकालीन नृत्य कंटेम्प्रेरी डांस में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन 4 भूषण लकंदरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन 1 243ZH से 243ZT। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? इसका आंसर ऑप्शन 3 बालाघाट। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 उदय शंकर। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोक्लेस के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? इसका आंसर ऑप्शन 3 केओलिनाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया? इसका आंसर ऑप्शन 1 शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, संतूर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर ऑप्शन 1 पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, 2028 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन 1 लॉस एंजलिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के किस युग्म के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 लिथियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारिणी में उस 87वें तत्व का नाम क्या है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है क्योंकि इसका आधा जीवन केवल 22 मिनट का है? इसका आंसर ऑप्शन 4 फ्रांसियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने छऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता? इसका आंसर ऑप्शन 2 भुवन कुमार। अगला क्वेश्चन है, द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, सौराष्ट्र ने डैश को हराकर 2022 विजय हजारे ट्रॉफी जीती? इसका आंसर ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RBI का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? पहला बैंक दर, दूसरा सरकारी खर्च, तीसरा नगद कोष अनुपात, चौथा खुले बाजार की क्रियाएं। इसका आंसर ऑप्शन 2 सरकारी खर्च। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, दूसरा ये वाद अयोग्य है, तीसरा आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, चौथा आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन 3 आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? ए ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, बी इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, सी ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, डी ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन 2 बी और डी। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 1869। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया? इसका आंसर ऑप्शन 1 विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत के गरीब परिवारों को सहायीकृत सब्सिडाइज दरों पर खाद्यान्न उत्पन्न कराती है? इसका आंसर ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वह कारण नहीं है जो आज़ादी के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई? पहला उत्पादन के लिए पर्याप्त बड़े बाजार का अभाव, दूसरा निजी उद्योगपतियों के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव, तीसरा निजी लाभ के सृजन से बचना, चौथा जनता की खराब बचत क्षमता। इसका आंसर ऑप्शन 3 निजी लाभ के सृजन से बचना। अगला क्वेश्चन है, असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 3 माघ बिहू। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अगुणिक
एक कोशीय यूकेरियोट कोशिकाओं का व्यास 10 माइक्रोमीटर है और उनका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है। इसका आंसर ऑप्शन थ्री क्लेमाइडोमोनस। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJYD का निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन थ्री एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा बैंक खाते खोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे परिचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल नहीं किया जाता है। पहला नगद में मजदूरी, दूसरा ब्याज, तीसरा लाभ, चौथा किराया। इसका आंसर ऑप्शन वन नगद में मजदूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुक्केबाजों में से किसने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला लाइटवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया। इसका आंसर ऑप्शन थ्री नीतू घंघास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निवेश का एक घटक नहीं है। पहला किसी कंपनी के शेयर खरीदने पर खर्च किया गया धन, दूसरा किसी फर्म द्वारा इकट्ठा किए गए कच्चे माल की सूची, तीसरा आवासीय निर्माण में अनुवृद्धि, चौथा किसी फर्म द्वारा लगाई गई मशीनरी और उपकरण। इसका आंसर ऑप्शन वन किसी कंपनी के शेयर खरीदने पर खर्च किया गया धन। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम तापमान का अनुभव कराता है। इसका आंसर ऑप्शन वन लेह। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये समाप्त होता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।